नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो है पटाखों के ऊपर, यानी फायर क्रैकर्स के ऊपर। एक सेकंड, आ गया फिर से एंटी हिंदू अपना हिंदू विरोधी एजेंडा लेकर। दिवाली के पटाखों पर अब पूरा ज्ञान देगा, और ये जो न्यू ईयर के पटाखे हैं, क्रिसमस के पटाखे हैं, ये नहीं दिखते। इतना सारा ट्रैफिक पॉल्यूशन है, फार्मर पराली जलाते हैं, उससे क्या ऑक्सीजन निकलती है, उस पे भी बोल दिया कर कभी कुछ। मैं जानता था कुछ लोग ऐसी फालतू की बातें हमेशा करेंगे, इसीलिए वीडियो मैंने बनाया है न्यू ईयर्स के टाइम पर, ना कि दिवाली के समय पर। इंडिया में दिवाली के टाइम पर सबसे ज्यादा पटाखे जलाए जाते हैं लोगों द्वारा, और बाहर की दुनिया में न्यू ईयर्स के समय पर सबसे ज्यादा पटाखे जलते हैं। इसके अलावा कुछ लोग शादियों के टाइम पर भी काफी जलाते हैं, और स्पोर्ट्स इवेंट्स, कोई क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच हो गया, वहां पर भी इन्हें देखा जाता है। आज का ये वीडियो हर तरीके के फायर क्रैकर्स के ऊपर है, क्योंकि ये पटाखे दुनिया भर में अलग अलग ट्रेडिशंस का हिस्सा बन चुके हैं। इनके बारे में गहराई से जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आखिर कितना पोल्यूशन फैलता है इनसे, क्या ये सही मायनों में हेल्थ के लिए हानिकारक हैं? क्या इनका इतिहास रहा है, क्या ये हिंदुओं का ट्रेडिशन है, मुगलों का ट्रेडिशन है, या फिर चाइनीज लोगों का ट्रेडिशन? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दुनिया में पहली बार पटाखे कहां फोड़े गए, आतिशबाजी करने का चलन कहां से शुरू हुआ, और इसका सही इतिहास क्या है? As more than 6 tons of fireworks are sent into Sydney's skyline to ring in the कहूंगा कि मेरा धर्म इतना छोटा नहीं है कि हाथ में फुलझड़ी लेके मुझे घूमना पड़ेगा रास्ते में बोलकर कि मैं हिंदू हूं, मैं फुलझड़ी चलाता हूं। अपनी कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों साल 1923 से, तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव शिवकाशी नाम से। यहां पर पी अध्या नादर और उनके कजन शानमुगा नादर अपना गांव छोड़कर निकलते हैं एक सफर पर। ये कोलकाता जाते हैं ये सीखने के लिए कि माचिस कैसे बनाई जाती है। करीब 8 महीने बाद ये अपने गांव वापस लौटते हैं, जर्मनी से मशीनों को इम्पोर्ट करते हैं, लेबरर्स को ट्रेनिंग देते हैं, और माचिस बनाने का बिजनेस शुरू करते हैं। अपनी कंपनी का ये नाम रखते हैं नेशनल मैचेस। इसके कुछ साल बाद ये फायर क्रैकर्स की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू करते हैं नेशनल फायरवर्क्स नाम के ब्रांड के अंदर। सबसे पहला पटाखा इनके द्वारा बनाया जाता है फूलझड़ी। इनका धंधा ठीक ठाक चलता है अगले 10-20 सालों तक, लेकिन फिर आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ जाती हैं इनके लिए, इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है यूरोपियन देशों से। इसी कारण से इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरर्स की एक बूम देखने को मिलती है। इस पूरे बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए उस वक्त की ब्रिटिश इंडिया सरकार साल 1940 में एक कानून पास करती है, द इंडियन एक्सप्लोजिव रूल्स। जो लोग पटाखों को बनाने लग रहे हैं, पोजेस करने लग रहे हैं और बेचने लग रहे हैं, उनके लिए एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाया जाता है और लाइसेंसेस बांटे जाते हैं सरकार के द्वारा। इसी के बाद ही पहली ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री पटाखे बनाने की इंडिया में खड़ी होती है। साल 1942 में सिर्फ 3 ऐसी फैक्ट्री थी पटाखे बनाने की इंडिया में। करीब 40 साल फास्ट फॉरवर्ड करो तो 1980 तक 189 फैक्ट्रीज आ गई। आज के दिन ये नंबर रिपोर्ट किया जाता है कि 700 से ज्यादा है। इस पूरी फायर क्रैकर इंडस्ट्री का टर्नओवर 8,000 करोड़ से ज्यादा है इंडिया में, और आज के दिन करीब 8,00,000 लोग एम्प्लॉयड हैं इस इंडस्ट्री में। लेकिन शिवकाशी काफी इंपॉर्टेंट जगह है इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आज के दिन भी 90% जो फायर क्रैकर्स इंडिया में बनाए जाते हैं वो शिवकाशी में ही बनते हैं। हालांकि सबसे पहली फैक्ट्री फायर क्रैकर्स की इंडिया में शिवकाशी में नहीं बनी थी, बल्कि कोलकाता में बनी थी 1800s के टाइम में। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या 1800 से पहले कोई पटाखे नहीं होते थे इंडिया में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फायर क्रैकर्स पहले भी होते थे। इनफैक्ट इंडिया में एक कास्ट भी है लोगों की, आतिशबाज, सो कॉल्ड बैकवर्ड कास्ट कुछ लोग कहते हैं सुन्नी मुस्लिम्स में। ये लोग अपने आप को आतिशबाज शेख करके भी पुकारते हैं, या फिर बारूदगीर या हवाईगीर। और इस कास्ट के लोग जनरली आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में, बनारस में, आजमगढ़ में, गोरखपुर में, इनफैक्ट अलीगढ़ के पास एक जगह है आतिशबाजान नाम से भी। ये लोग मानते हैं कि इनके एंसेस्टर्स को एक्चुअली में सेंट्रल एशिया से लाया गया था मुगलों के द्वारा, और इनके एंसेस्टर्स बड़े स्पेशलिस्ट थे गन पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में। इनका हम हिस्टोरिकल मेंशन भी देख सकते हैं, जैसे कि बंगाल के सिविल सर्विस ऑफिसर W. क्रूक ने किताब लिखी थी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया साल 1897 में, इसमें इनका मेंशन किया गया है। इसके अलावा ब्रिटिश सेंसस रिपोर्ट्स भी मेंशन करती हैं। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद से आतिशबाज कम्युनिटी की रेलेवेंस काफी कम हो गई जब यूरोप और चाइना से पटाखे इंपोर्ट होने लगे इंडिया में। एक दूसरा कारण बताती हैं सोशियोलॉजिस्ट नीता कुमार अपनी किताब द आर्टिसंस ऑफ बनारस 1880-1896 में।
उस समय में जो नवाब और जमींदार थे उनके पास पैसे की कमी होने लगी, तो जो पैसा वो स्पेंड कर सकते पटाखे बनाने में, सेलिब्रेशंस में, उसकी कमी हो गई। और आतिशबाज कम्युनिटी धीरे धीरे छोटे छोटे पटाखे बनाने में शिफ्ट हो गई और उनका डिक्लाइन हो गया। लेकिन इससे पीछे जाए टाइम में, तो राजा महाराजाओं के समय में क्या रेलेवेंस थी पटाखों की, मराठा क्रॉनिकल पेशवा यांची बाखर से इस डिस्क्रिप्शन को सुनिए। यहाँ महादजी सिंधिया दिवाली की सेलिब्रेशंस को बताने लग रहे हैं कोटा में पेशवा सवाई माधव राव के सामने। ये बताते हैं कि कैसे दिवाली का फेस्टिवल चार दिन तक मनाया जाता है कोटा में, जहां पर लाखों दिए जलाए जाते हैं। कोटा के राजा यहां पर फायरवर्क्स का भी एक डिस्प्ले करते हैं, जिसे लंका ऑफ फायरवर्क्स कहा जाता है। महादजी डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे रावण सेंटर में है और चारों तरफ उसके राक्षस हैं और पीछे एक बड़ी इमेज हनुमान की, सब कुछ गन पाउडर से प्रिपेयर किया हुआ, और आग जलने पर लंका दहन का जो सीन है वो दिखता है। इसे सुनने के बाद उस वक्त के पेशवा ने कहा कि मैं भी चाहता हूं मेरे शहर में ये सब हो। और यही पटाखों की ग्रैंड परफॉर्मेंस फिर पहली बार पूना के लोगों को देखने को मिलती है। ये समय था दोस्तों 1700s का। इसी सदी के एक और राजा को पटाखे बड़े पसंद थे, मुगल शहंशाह रोशन अख्तर, जिन्हें हम मोहम्मद शाह रंगीला करके भी जानते हैं। एक्चुअली मोहम्मद शाह इनका टाइटल था, इनका पेन नेम था सदा रंगीला, एक ऐसा इंसान जो हमेशा खुश रहता। इन मुगल एम्परर के बारे में आप ज्यादा जानते नहीं होंगे, क्योंकि मोस्टली इन्हें जाना जाता है कि कैसे नादिर शाह के सामने हारे थे और इन्हीं से ही कैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये आर्ट्स और कल्चर के बड़े फैन थे। इनके समय में म्यूजिक, पेंटिंग और आर्ट फ्लरिश किया। साथ ही साथ इन्हें पटाखे भी बड़े पसंद थे। इस पेंटिंग को देखिए जो कि सैन डिएगो म्यूजियम में आपको मिलेगी। कोर्ट में बैठी औरतें इंजॉय कर रही हैं पटाखे जलाना। ये चीज अनक्लियर है कि ये दिवाली के समय जलाए जा रहे थे या फिर किसी और ओकेजन पर, लेकिन रंगीला का जो रंग महल था वो बड़ा वेन्यू होता था बड़ी दिवाली सेलिब्रेशंस के लिए। शाहजहानाबाद में चारों तरफ दिए जलाए जाते थे, आज जिसे हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। एक स्पेशल आकाश दिया भी होता था, जिसे एक लंबे से पोल पर लगाकर एंड पे डालते थे। एक सिमिलर अकाउंट हमें मिलता है विलियम डैलरिम्पल की किताब द लास्ट मुगल में, बहादुर शाह जफर को लेकर। बहादुर शाह जफर तो एक्चुअली में अपने फोर्ट के सामने लक्ष्मी पूजा भी किया करते थे स्पेशली। और मुगल राजा रंगीला पर वापस आए तो इन्होंने एक स्पेशल आदमी को अपॉइंट कर रखा था स्पेशली फायरवर्क्स के लिए, मीर आतिश। इस बंदे का काम होता था कि रेड फोर्ट से जाकर पटाखे जलाए जाएं, और जो औरतें होती थी मुगलों के टाइम में वो कुतुब मीनार से जाकर उन पटाखों को जलते हुए देखती थी जो रेड फोर्ट में जल रहे थे। अब रंगीला और बहादुर शाह जफर कोई एक्सेप्शन नहीं थे। प्रोफेसर हरबंस मुखिया हमें बताते हैं कि दिवाली को सेलिब्रेट करना अकबर के टाइम से ही चला आ रहा था। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल था जिसे सिर्फ हिंदुओं के द्वारा नहीं बल्कि सबके द्वारा मनाया जाता था। मुगलों के टाइम पे इसे जश्न चरंगा करके पुकारते थे, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इंटरेस्टिंगली सिर्फ दिवाली नहीं बल्कि दशहरा भी मनाया जाता था मुगलों के द्वारा। कंटेम्प्री पर्शियन हिस्टोरियन मिर्जा कतिल हमें बताते हैं कि कैसे दशहरा मनाया जाता था दिल्ली में 18th सेंचुरी में। रावण के बड़े पुतले होते थे जो पेपर और कार्डबोर्ड के बने होते थे, लेकिन रावण को पटाखों से नहीं भरा होता था बल्कि रावण के पेट में एक मटका होता था जिसके अंदर शरबत होती थी। छोटे बच्चों को ड्रेस किया जाता था भगवान राम की तरह और वो तीर चलाते थे उस मटके पर, और फिर बाद में शरबत को सब में बांटा जाता था। मुगलों के समय में एक्चुअली में सबसे पुराना रिकॉर्ड जो हमें फायर क्रैकर्स का देखने को मिलता है वो अकबर के टाइम पे मिलता है। जब अकबर सिर्फ 13-14 साल के थे तो उन्होंने अपने दुश्मन हेमू का एक पुतला बनाया था जिसके अंदर पटाखे भरे थे और उसे जलाया गया था। साल 1556 की बात है ये। डॉक्टर कैथरीन बटलर शोफील्ड का कहना है कि पटाखों को एक्चुअली में मुगलों और राजपूतों के द्वारा बहुत इस्तेमाल किया जाता था विंटर्स और लेट ऑटम के समय में। हमें ढेर सारी हिस्टोरिकल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं इसी कारण से, जिनमें पटाखों को दिखाया गया है। कुछ पेंटिंग्स राजस्थानी स्टाइल की, कुछ पहाड़ी स्टाइल की, तो कुछ मुगलों के स्टाइल की। पटाखे दिवाली पर जलाए जा रहे हैं, शब्बे बारात में जलाए जा रहे हैं और शादियों के टाइम पर जलाए जा रहे हैं। इस पेंटिंग को देखिए जिसमें दिखाया गया है कि शाहजहां के बेटे दारा शिकोह की शादी हो रही है। इसमें भी आप पीछे देख सकते हैं कि कितने पटाखे जलाए जा रहे हैं। इन ओकेजन्स के अलावा पटाखों को तब भी जलाया जाता था जब कोई नया नया राजा बनता था, जैसे कि औरंगजेब के समय में। आप पूछोगे ये कैसे हो गया, औरंगजेब ने तो दिवाली पर पटाखों पर बैन लगा दिया था ना। आपने कहीं ये सोशल मीडिया पर पढ़ा होगा, क्योंकि एक सोशल मीडिया पोस्ट कुछ टाइम पहले वायरल गई थी जिसमें बताया जा रहा था कि कैसे औरंगजेब ने अपने समय में एक शाही फरमान इशू किया था पटाखों को बैन करने का दिवाली पर। तो इसके पीछे सच क्या है, एबीपी न्यूज ने एक्चुअली में एक फैक्ट चेक किया था अभिसार शर्मा के शो में, जब उन्होंने राजस्थान के स्टेट आर्काइव्स को देखा इस चीज को जानने के लिए, तो पता चला कि एक्चुअली में एक ऐसा डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है। औरंगजेब ने 1667 में एक शाही फरमान इशू किया था अपने गवर्नर्स को कि पटाखों पर बैन लगाया जाए। शाह ने फरमाया है
के बादशाह के सूबे के अधिकारियों को लिख दो कि आतिशबाजी पर रोक लगा दे। फौलाद खान को भी शाही हुक्म है कि शहर में घोषणा कर दे कि कोई आतिशबाजी, यानी वो चीजें जो खुशी और शादी के अवसर पर बारूद से बनाकर छोड़ी जाएं, का इस्तेमाल न किया जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर दिवाली को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं किया गया था। इस फरमान में बस आतिशबाजी का मेंशन किया गया था, जब भी आतिशबाजी करी जा रही हो किसी भी हैप्पी ओकेजन पर, शादियों पर हो चाहे किसी मुस्लिम फेस्टिवल में भी हो। सही सुना, शबे बरात नाम से एक मुस्लिम फेस्टिवल भी था जब पटाखे जलाए जाते थे उस समय में। तो एक कंप्लीट बैन लगा दिया था फायर क्रैकर्स पर, क्यों लगाया था ये हम नहीं जानते। लेकिन ये फरमान 8 अप्रैल 1667 को इशू किया गया था, तो अप्रैल की डेट है, देख सकते हो कि दिवाली के समय। औरंगजेब को साइड में रखते हैं और मुगलों से भी पीछे चलते हैं, क्या फायर क्रैकर्स को मुगलों से भी पहले इस्तेमाल किया जाता था? इसका भी जवाब हाँ है दोस्तों। लेट हिस्टोरियन सतीश चंद्र की किताब है मेडिवल इंडिया फ्रॉम द सल्तनत टू द मुगल्स, इसमें बताया गया है कि कैसे 1609 AD में जो बीजापुर के सुल्तान थे इब्राहिम आदिल शाह, इन्होंने बड़ी डाउरी दी थी वेडिंग के दौरान और 80,000 रुपए तो इन्होंने सिर्फ पटाखों पर खर्च किए थे। ये जगह आज के दिन कर्नाटका में लोकेटेड है। और पीछे चले टाइम में तो साल 1518 में एक पोर्चुगीज इंडिया के ऑफिसर थे जो ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने लिखा था अपना ट्रैवल लॉग, दुआर्ते बारबोसा इनका नाम था। इन्होंने अपनी राइटिंग में बताया कि कैसे जब ये गुजरात गए थे तो वहां पर भी एक ब्राह्मण परिवार की शादी हो रही थी और लोगों को एंटरटेन किया जा रहा था डांसिंग सॉन्ग्स के जरिए और साथ साथ रॉकेट्स और बॉम्ब्स को फायर करके। इससे भी पीछे टाइम में जाएं तो साल 1443 में विजयनगर किंगडम, एक इटालियन ट्रैवलर लुडोविको दे वार्थेमा डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे विजयनगर में फायरवर्क्स हो रहे हैं और कैसे जो हाथी है वहां पर वो भागने लग रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उन्हें आग से डर लगता है। एमिनेंट हिस्टोरियन पीके गोडे ने एक पूरी किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स के ऊपर। इनका एस्टिमेट है कि 1400 AD के अराउंड फायरवर्क्स इंडिया में आए और ये तब हुआ जब पहली बार इंडियन वॉरफेयर में गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो एक सवाल उठता है कि इन पटाखों को इंडिया में एक्चुअली में लेकर कौन आया। रिनाउंड मेडिवल हिस्टोरियन फरिश्ता अपनी किताब तारीख ए फरिश्ता में बताती है, साल था 1258, दिल्ली में नसीरुद्दीन मोहम्मद के कोर्ट में एक बड़ा शो हुआ फायरवर्क्स को लेकर। 3,000 कार्टलोड्स फायरवर्क्स को लाया गया। किसके लिए लाया गया? एक मंगोल रूलर हुलागु खान के इन्वॉय को वेलकम करने के लिए। इससे करीब 100 साल आगे बढ़े तो 1350 में दिल्ली में फायरवर्क्स का एक डिस्प्ले हुआ फिरोज शाह तुगलक के समय में। ये लिखा गया है तारीख ए फिरोज शाही में और इसमें कहा गया है कि ये शाम के समय हुआ था, शब्बे बारात जो फेस्टिवल मैंने आपको बताया। ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद मुस्लिम्स भी खड़े होकर कहेंगे कि पटाखों के अगेंस्ट मत बोल, ये तो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है। एक्चुअली में दोस्तों मंगोल्स गन पाउडर लेकर आए चाइना से। चंगेज खान ने मंगोल रेड्स के दौरान गन पाउडर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया और मंगोल्स की वजह से ही बाकी यूरोप और एशिया की जगहों में गन पाउडर फैला। यूरोप में कहा जाता है कि यूरोपियंस को पहले गन पाउडर के बारे में पता चला या तो मंगोल्स के जरिए ही या फिर फेमस ट्रैवलर मार्को पोलो के जरिए। इसके पहले मेंशन 1300s में सबसे ज्यादा देखने को मिले। इंग्लैंड में सबसे पहले रिकॉर्डेड फायरवर्क्स हुए हेनरी द सेवेंथ की शादी में साल 1486 और अमेरिका में सबसे पहला फायरवर्क्स का डिस्प्ले किया गया साल 1608 में कैप्टन जॉन स्मिथ के द्वारा। उस समय में कई अमेरिकन लोग स्पेशल ओकेजन्स पर पटाखों का इस्तेमाल करते थे और जब अमेरिका देश को पहली बार आजादी मिली साल 1776 में, तब भी बड़े धूमधाम से पटाखों को जलाया गया और यही कारण है दोस्तों कि आज के दिन तक अमेरिका के देश में इंडिपेंडेंस डे पर पटाखे जलाने का एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, द 4th of July। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि पटाखों को एक्चुअली में इन्वेंट कैसे किया गया। करीब 200 BC की बात है, कहा जाता है कि चाइनीज लोगों ने एक्सीडेंटली फायर क्रैकर्स को डिस्कवर कर लिया जब इन्होंने बैम्बूस को आग में डालना शुरू किया, तो इन्होंने देखा कि कैसे वो पटाखों की तरह फटते हैं। लेकिन इंसानों के द्वारा बनाए गए फायरवर्क्स को बनाने में 1000 साल और लगे। 800 AD के अराउंड एक एल्केमिस्ट कुछ केमिकल्स को मिक्स करके देख रहा था कि उसे हमेशा जिंदा रहने का एक फॉर्मूला मिल पाए। उसने बाय चांस सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट को मिक्स कर दिया, इस पर आग लगाई तो ये फट गया और इसी तरीके से आविष्कार हुआ दोस्तों गन पाउडर का। इस ब्लैक पाउडर को हुओ याओ कहा जाता था, द फायर केमिकल। और जब इस पाउडर को चाइनीज लोगों ने बैम्बूस के अंदर फिल करना शुरू किया और फिर आग लगानी शुरू करी, तो कुछ इस तरीके से इन्वेंशन हो गया पटाखों का। सबसे पहले पटाखे जो इन्होंने बनाए थे वो एक्चुअली में रॉकेट्स थे जो ग्राउंड पर चलते थे, हॉरिजॉन्टली चलने वाले रॉकेट्स, इन्हें अर्थ रैट्स कहा जाता था। आज के दिन ये एक वेल एक्सेप्टेड फैक्ट है, ज्यादातर हिस्टोरियंस यही मानते हैं कि इसी तरीके से
फायर क्रैकर्स का इन्वेंशन हुआ चाइना में। लेकिन इंडिया में फिर भी कुछ लोग आर्ग्यू करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, चाइना में नहीं, इंडिया में ही पटाखों का इन्वेंशन हुआ है। ये लोग आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर कुछ हिस्टोरिकल टेक्स्ट साइट करते हैं, जैसे कि स्कंद पुराण वैष्णव कंड चैप्टर 2 श्लोक 65 पर ये लिखा गया है। इसका मतलब है हाथों में उल्का लिए हुए लोग अपने पितरों का मार्गदर्शन करते हैं। ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि उल्का शब्द का मतलब यहाँ पर फायर क्रैकर नहीं हो सकता। जीवी टैगोर जैसे जो हिस्टोरियंस हैं उनका कहना है यहाँ पे इस शब्द की ट्रांसलेशन है एक मशाल, लोग अपने हाथों में मशाल लेकर ये करते हैं। आज के दिन जब हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो इसके पीछे कारण हमेशा बताया जाता है कि भगवान राम सीता के साथ वापस अयोध्या लौटे थे, इसलिए दिवाली हम मनाते हैं। लेकिन इस पुराण के श्लोक 49 टू श्लोक 60 को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एक और रीजनिंग दी गई है यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करने की। इसके अकॉर्डिंग जो राजा दैत्य राजा बलि थे वो बड़े एरोगेंट और प्राउड हो गए थे, तो भगवान विष्णु ने अपने आप को एक ब्राह्मण की तरह डिस्गाइज किया और वो आए। इन्होंने बलि से 3 स्टेप्स जमीन मांगी। राजा ने हंसते हंसते कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं दे देता हूँ जमीन। लेकिन भगवान विष्णु जो वामन के रूप में आए हुए थे, इनका साइज बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि इन्होंने पूरी धरती पाताल और आसमान को कवर कर 2.5 कदमों में। फिर बलि ने यहाँ पर अपनी गलती रियलाइज करी। इन्होंने भगवान विष्णु से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज 3 दिन तक धरती पर मेरा राज रहने दो, आप अपनी पत्नी लक्ष्मी को उन लोगों के घर में रहने दो जो एक्चुअली में अपने घर में दिए जलाते हैं, और लोग अगर 14वें दिन पर अपने दिए नरक को ऑफर करेंगे तो उनके जो फोर फादर्स हैं वो कभी नरक नहीं जाएंगे। पॉइंट यहाँ पर यह है कि बार बार यहाँ दियो का मेंशन किया जा रहा है। कुछ और भी टेक्स्ट यहाँ पर साइट किए जाते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, नाति प्रकाशिका बाय वैशंपायन, 7000 वर्सेस बोगर के बाय संत बोगर, लेकिन इनमें से कोई भी फायर क्रैकर्स का मेंशन नहीं करता, बल्कि ये टेक्स अग्री चूर्ण और वेडी उप्पू को मेंशन करते हैं। इनका मतलब है फायर पाउडर या फिर एक्सप्लोसिव सॉल्ट, और हिस्टोरियंस का मानना है कि ये यहाँ पर सॉल्ट पेट्रे को रेफर कर रहे हैं, जो कि एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, दुनिया भर की कई गुफाओं में पाया जाता है। बात यहाँ पर यह है कि अगर एंशिएंट इंडिया में पटाखों का सही में प्रयोग किया जाता था तो हमें पेंटिंग्स में वो दिखता, आर्ट्स में रिफ्लेक्ट होता, और ऐसा सिर्फ 1300s के बाद ही होता हुआ हमें दिखता। एनीवेज अब हिस्ट्री बहुत हो गई, पॉल्यूशन के एस्पेक्ट पर आते हैं। क्या पटाखों से पॉल्यूशन फैलता है? हाँ बिल्कुल फैलता है, इस चीज़ को लेकर तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा, हर कोई मानता है कि पॉल्यूशन फैलता है पटाखों से, लेकिन आर्ग्यूमेंट इस चीज़ को लेकर उठाया जाता है कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलता, इससे ज़्यादा पॉल्यूशन तो गाड़ियों से फैलता है, खेतों पर आग जलाने से, पराली के जलाने से फैलता है। तो आइए कुछ रिसर्च स्टडीज़ को देखते हैं इसको लेकर। चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन पुणे ने एक स्टडी करी थी 2016 में। इन्होंने एक लाइट स्कैटरिंग फोटोमीटर का इस्तेमाल किया मिनट बाय मिनट लेवल्स रिकॉर्ड करने के लिए PM2.5 के। इन्होंने अलग अलग पटाखों को एनालाइज किया ये देखने के लिए कि अलग अलग टाइप के पटाखों से एक्चुअली में कितना पोल्यूशन आता है। जो 6 सबसे पॉपुलर पटाखे हैं, स्नेक, लड़ी, फुलझड़ी, पुलपुल, अनार और चक्री, इन सारे पटाखों से जो पर्टिकुलेट मैटर निकलता है वो 200 से 2000 गुना ज्यादा है सेफ लिमिट से अगर कंपेयर करो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लगाई है। इंडिया स्पेंड ने स्टडी के रिजल्ट्स को एनालाइज किया और कंपेयर किया एक 50 मीटर क्यूब के कमरे से, एक बंद कमरा जिसके अंदर एक सिंगल सिगरेट जलाई जा रही है उससे कितना PM2.5 निकलता है। PM2.5 अगर आप नहीं जानते, बेसिकली पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है, हार्मफुल पार्टिकल्स जिनसे पॉल्यूशन फैलता है। तो इन्होंने ये एनालिसिस करी और पता चला कि एक अनार से उतना ही PM2.5 निकलता है जितना 34 सिगरेट से निकलता है। एक फुलझड़ी 74 सिगरेट्स के बराबर है। 1000 crackers 277 सिगरेट्स के बराबर। लोग कहते हैं ना कि नहीं, साल भर में इतना पोल्यूशन नहीं फैल रहा है, गाड़ियों से ज्यादा पोल्यूशन आता है, लेकिन उस एक दिन में इतना पोल्यूशन हो रहा है, इतना पोल्यूशन हो रहा है कि मैं कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं, आप किसी छोटे बच्चे को एक ऐसे कमरे में भेजेंगे, एक ऐसे बंद कमरे में जहां पर 50 लोग सिगरेट फूंक रहे हो, बस एक दिन की ही तो बात है, उस बच्चे को सिर्फ एक ही दिन तक उस कमरे के अंदर रहना है, बाकी साल भर तो वो फ्रेश एयर ब्रीथ कर सकता है, तो उसे एक दिन से क्या हो गया। अब कुछ लोग अपनी बुरी आदतें बदलना नहीं चाहते और इसे जस्टिफाई करने के लिए 100 और रीजंस बता देते हैं, जैसे कि ये एक ओपिनियन आर्टिकल लिखा गया था जिसमें कहा जाता है राइटर के द्वारा कि भाई पटाखे जलाने यूजफुल हैं, एक्चुअली में साइंटिफिकली यूजफुल है फायर क्रैकर्स को बर्स्ट करना। आप पूछोगे कैसे, तो भाई ये राइटर रीजनिंग बताते हैं कि पटाखों में सल्फर होता है और सल्फर एक पेस्टिसाइड है, तो पटाखे पेस्टिसाइड का काम करते हैं। कुछ भी भाई, मतलब पटाखों को पेस्टिसाइड की तरह ही यूज करना है तो सल्फर को ही क्यों ना यूज कर लो डायरेक्टली। एक दफा ये मान भी लो कि पटाखे पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं, तो एक बार फिर से, क्या आप अपने एक छोटे बच्चे को ऐसे एक बंद कमरे में भेजेंगे एक दिन के लिए
जहां पर ढेर सारा पेस्टिसाइड स्प्रे किया गया हो। क्या हो गया अगर थोड़ी बहुत खांसी आने लग रही है, थोड़ी लंग्स खराब हो रही हैं और पोल्यूशन फैल रहा है, लेकिन वो जो एक दो मच्छर हैं वो तो मर रहे हैं ना कम से कम। कई ऐसी रिपोर्ट शेयर करी जाती हैं लोगों द्वारा कि फायर क्रैकर से आने वाला पोल्यूशन नेग्लिजिबल है बाकी और पोल्यूशन सोर्सेज के कंपैरिजन में। ये तो वही बात हो गई कि मैं आपके कान में जोर से चीखूं और एक दिन तक आपके कान में तेज तेज चीखता रहूं और कहूं कि भाई चिंता करने की बात नहीं है, जो मेरे चीखने से नॉइस पोल्यूशन आपके कान में आने लग रहा है, अगर आप एक साल में उसे एवरेज आउट करोगे और बाकी और सोर्सेस से जो आप नॉइस पोल्यूशन सहते हो उसके कंपैरिजन में तो ये नेग्लिजिबल है। एक आदमी के पान थूकने से क्या होता है, पूरे शहर में देखो कितना कूड़ा पड़ा हुआ है चारों तरफ, तो मैं अगर पान थूक दूं तो क्या जा रहा है भाई, नेग्लिजिबल है बाकी गार्बेज के कंपैरिजन में। पॉइंट यहां पर यह है कि बहुत सारे पोल्यूशन के सोर्सेज हैं, सही बात है, गाड़ियों से निकल रहा है पोल्यूशन उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए, फैक्ट्रीज से पोल्यूशन निकल रहा है उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए, उसको लेकर भी सख्त कदम उठाने चाहिए, पराली जलने लग रही है खेतों में उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, और पटाखों से निकलने वाला पोल्यूशन भी पोल्यूशन है जिसे कंट्रोल करना चाहिए। और इसे नेग्लिजिबल कहना पूरे साल भर में एवरेज आउट करके एक बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि जैसा मैंने आपको सिगरेट्स के थ्रू एग्जांपल बताया, जब एक दिन इतना ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है इतने सारे पटाखों से, तो उसे इस तरीके से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये सुनकर भी कुछ लोग कहेंगे तो क्या हो गया भाई, वाल्मीकि रामायण में पटाखों का कोई मेंशन नहीं है, क्या हो गया कि चाइनीज लोगों ने फायर क्रैकर्स का इन्वेंशन किया था और मंगोल्स एक्चुअली में इसे इंडिया में लेकर आए थे, क्या हो गया कि दिवाली का हिस्टोरिकली इस ट्रेडिशन से कुछ लेना देना नहीं था लेकिन हम तो पटाखे जलाएंगे। ऐसे लोगों को देखकर मैं कहूंगा बस कम से कम बच्चों को स्पेयर कर दो, बच्चों की क्या गलती है कि इतना पोल्यूशन उन्हें अपने लंग्स में डालना पड़ रहा है, एक एक पटाखा यहाँ पे 50 सिगरेट्स के बराबर एक कमरे के अंदर बंद। अगर आप कहोगे कि बच्चे इसे इंजॉय करते हैं तो एक चीज मैं कह दूं कि बच्चों की इंजॉयमेंट कंडीशनिंग पर डिपेंड करती है। अगर बचपन से ही आप उन्हें बताओगे कि नहीं रंगोली बनाना यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्टिंग काम है, दिवाली पर दिए जलाना और डेकोरेशन करने में ज्यादा मजा आता है, परिवार और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में ज्यादा मजा आता है, तो ऑब्वियसली वो वही करना चाहेंगे। इसे सॉल्यूशन कुछ लोग ग्रीन क्रैकर्स की बात करते हैं, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स का मतलब ये नहीं है कि पोल्यूशन निकलना उनसे बंद हो जाता है, ज्यादातर ग्रीन क्रैकर्स में बस 30% कम पोल्यूशन होता है। मेरी राय में एक बीच का सॉल्यूशन यहाँ पर है कि इंडिविजुअली लोग पटाखे ना जलाएं बल्कि सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज कराए जाएं पब्लिक इवेंट्स जिसमें पटाखे जल रहे हैं। ये चीज न्यू ईयर्स पर करी जा सकती है, दिवाली पर करी जा सकती है, या किसी भी बड़ी ओकेजन पर करी जा सकती है। इससे दो बड़े एडवांटेज है, एक तो ये है कि क्योंकि हम उन पटाखों के इतने करीब नहीं होंगे, एयर पोल्यूशन का जो खतरनाक इफेक्ट है वो उतना खतरनाक नहीं होगा जब हम दूर से पटाखों को जलते हुए देखेंगे, और दूसरा ये कि अगर शहर में रहने वाला हर इंसान इंडिविजुअली पटाखे नहीं जलाएगा बल्कि सरकार सबके लिए एक शो ऑर्गेनाइज करेगी तो बहुत हद तक कम हो जाएंगे पटाखे जलने। और जहां तक बात रही शादियों की, शादियों में पटाखे ना जलाना तो सबसे आसान काम है, पटाखे नहीं जलेंगे शादी में तो कोई इंजॉयमेंट कम नहीं होगी, हार्डली ये चीज मैटर करती है। मैंने तो अपनी शादी में कोई पटाखे नहीं जलाए, आपकी क्या राय है यहाँ पर नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया तो ये वाला वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा कि मुगल एम्पायर का अंत कैसे हुआ देश में, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।